वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। ये फिल्म है फिर हेरा फेरी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की सीरीज की दोनों ही फिल्मों को खूब पसंद किया गया। बीते काफी वक्त से इस फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर आने की खबरें सामने आ रही हैं। अब तक कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि जल्द ही ये फिल्म आने वाली है। हालांकि कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ पाया है और कुछ न कुछ परेशानी फिल्म के शुरू होने से पहले आ ही जाती है। अब खबर आ रही है कि फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार को रिप्लेस कर दिया गया है। दरअसल इंद्र कुमार ने कुछ वक्त पहले खुद फिल्म शुरू करने की बात कही थी। हालांकि वो खुद अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रहे हैं, तो वो ऐसे में इस फिल्म के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। ऐसे में फिल्म शुरू नहीं हो पा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंद्र कुमार को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह पर फिल्म निर्माता प्रियदर्शन के साथ बात चल रही है, जिन्होंने पहली हेरा फेरी डायरेक्ट की थी। वहीं इस खबर को लेकर प्रियदर्शन से बात की गई तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ना तो ये कहा कि खबर झूठी है और ना ही हाँ में जवाब दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि मैं इस समय अपनी मलयालम फिल्म में बिजी हूँ, ये एक बहुत बड़ी फिल्म है और मैं हेरा फेरी के बारे में केवल इसके बाद ही सोच सकता हूँ। अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, मतलब साफ ये है कि उनसे फिल्म को लेकर बात जरूर की गई है। ऐसे में साफ है कि फिल्म के फ्लोर पर आने के चांसेस थोड़े कम ही हैं। वहीं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार फिल्म में लीप के बाद की कहानी दिखेगी। फिर हेरा फेरी जहां खत्म हुई थी वहीं से हेरा फेरी 3 शुरू होगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी। वहीं आपको बताते चलते हैं कि कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि फिल्म बंद हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।